अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक आप लोगों की क्लासेस फिजिकल नहीं हो रही हैं, तो आप लोगों को इस तरह हम लेक्चर्स में ना भी सेंड करेंगे, तो आपने ये प्रॉपरली काम करना है, डेली करेंगे तो आप लोगों का काम सारा कवर हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर जो आप लोगों का इधर फिजिकल हुआ था, तो हम लोग यूनिट 2 जो हमारा सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस है उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। दो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए थे एंड 2 आर रिमेनिंग, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने इसको नोट बुक पे अपने आपने नोट डाउन भी करना है, इसी तरह आपने डेट, क्लास वर्क, डे आपने सब कुछ मेंशन करना है जिस तरह हम क्लास में काम करते थे, और आपने आगे से करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो लॉन्ग है वो है डिफाइन मैटर एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेट्स, कि मैटर को डिफाइन करें और मैटर की जितनी स्टेट्स हैं उनकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। मैटर और इसकी स्टेट जो है ये ऑलरेडी हमने, मैंने आप लोगों को जब इधर हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही थी हमने इसकी डायग्राम्स भी बनाई थी, सॉलिड में किस तरह पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में किस तरह पार्टिकल होते हैं, गैसेस में किस तरह पार्टिकल होते हैं, मैटर का आपको सब बताया था। अभी बस लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ गए। मैटर हमारे पास क्या होता है? एनी थिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसको रखने के लिए या जिसका कोई भी वेट हो और उसको रखने के लिए जगह की ज़रूरत हो उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मैटर की एग्जाम्पल ले लें, अगर हम मैं कहूँ कि दिस इज़ बोर्ड मार्कर, तो अगर इस बोर्ड मार्कर को मैंने कहीं पे रखना है तो मुझे स्पेस चाहिए और इसका वेट भी है, ये कहीं पे भी जाएगी इसका वेट जो है वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैटर। मैटर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, जिनका वेट है और उनको रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास सब चीज़ें मैटर में आती हैं। अब इसकी बात आ गई स्टेट्स ऑफ मैटर के, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हमारे पास मैटर होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। अब सॉलिड में जो होता है क्या होता है? सॉलिड में हैव डेफिनेट शेप, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड में जितनी भी हमारे पास चीज़ें आती हैं उनकी शेप और उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मींस के उसकी ना शेप चेंज हो सकती है ना उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये हम बोर्ड मार्कर की एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये बोर्ड मार्कर है, ये हमारे पास सॉलिड है, बिकॉज इसकी मैं शेप नहीं चेंज कर सकती हूँ, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, दैट इज़ वाई इट इज़ सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। कि लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है कि वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते, बट उसकी शेप जो होती है वो इनडेफिनिट होती है। हाउ? अब उसकी इनडेफिनिट शेप इस तरह होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विड हमारे पास है एक कंटेनर में है, अगर एक जग में है, अगर आप उसको फ्रीज करते हो तो वो उसकी शेप जग वाली आएगी जब वो फ्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वो लिक्विड जो है जब वो मेल्ट हो जाता है उसको आप एक ग्लास में डालते फ्रीज करते हो तो वो उसकी शेप ग्लास वाली हो जाती है। मतलब उसकी शेप जिस लिक्विड, जिस कंटेनर में होगा लिक्विड वो उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेगा। दैट इज़ वाई लिक्विड की जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है, मतलब कि उसकी एक परमानेंट शेप नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है विच इज़ गैस। अब हमारे पास गैस क्या होता है? गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। कि गैसेस की ना शेप जो होती है परमानेंट होती है ना ही उनका वॉल्यूम परमानेंट होता है, मतलब कि वो उसकी शेप वो भी किसी भी कंटेनर में जिसमें गैस जाएगी वो उसी शेप को अडॉप्ट कर लेगा और वॉल्यूम भी जो है वो उसी कंटेनर के शेप वाले को अडॉप्ट कर लेगा। इसका कोई भी इनडेफिनिट, कोई परमानेंट शेप नहीं होती, कोई परमानेंट वॉल्यूम नहीं होता। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ योर लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2। ये हमारे पास क्या है? डज गैस डिजॉल्व इन वाटर। कि क्या गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? तो इसका आंसर क्या है? सम गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। कि कुछ गैसेज जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। अब ये नहीं है कि सब गैसेज, कुछ गैसेज जो हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर में। लिविंग थिंग्स विच लिव इन वाटर, जो जानदार जो है पानी में रहते हैं, लाइक फिश, जो फिश होती है वो पानी में रहती है। इस तरह फिश आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर। फिश जो होती है वो पानी में रह के सांस ले सकती है बिकॉज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है? गैस होती है। जो गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है तब भी जो फिश होती है जो पानी में रहती है वो उधर से सांस लेती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ गैसेस जो हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कौन सी गैस, कोई ऐसी गैस का नाम बताएं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है जो वाटर में डिजॉल्व हो सकती है। उसके बाद है गैस इन फिजी ड्रिंक्स। जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसके अलावा जितनी भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं उसमें भी गैस होती है। आप जब बॉटल टाइट होती है उसको ओपन करते हो तो गैस निकलती है। तो अ फिजी ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ, उसमें कौन सी
गैस लिक्विड में होती है, जैसे आप कोक की बॉटल लेते हो या फिर आप सेवन अप की लेते हो, तो होता तो वो लिक्विड की फॉर्म में है ना, और उसमें गैस भी होती है, मतलब कि गैस डिजॉल्व होती है। अब उसमें कौन सी गैस डिजॉल्व होती है? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लिक्विड में डिजॉल्व होती है। द गैस स्टेज इन द बॉटल अंडर प्रेशर, और वो प्रेशर के थ्रू जो है वो अंदर पानी के अंदर स्टे करती है। जब आप उसको बंद करते हो तो वो उसके अंदर गैस होती है, जब जैसे ही आप बॉटल का लिड ओपन करते हो तो गैस की आपको साउंड प्रोड्यूस होती है बकायदा, और आप लोग सुन सकते हो उस साउंड को। बस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एंड हो गया है। हमारे पास सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है यूनिट 2 के कम्प्लीट हो गए हैं। अब आपने इनको लर्न भी करना है और आपने इसको अपना नोट डाउन भी करना है, और उसके बाद याद करके आप लोगों ने ब्लू शीट्स पर भी एक बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।